Bismillahirrahmanirrahim and assalamu alaikum students, hope you all are fine and taking my lectures. So students, hamara chapter number 8 chal raha hai, second year chemistry ka. To aaj uska lecture number 29 hai, jiske andar hum alkynes ke reactions ko mazid discuss karenge. Aaj ke lecture mein students, ab hum discuss karenge addition of ammonia and hydrogen cyanide. ठीक है, अमोनिया जैसा कि आप जानते हैं NH3 को कहते हैं, और स्टूडेंट्स इसके अलावा हमने हाइड्रोजन साइनाइड को डिस्कस करना है HCN. सो एडिशन देखते हैं जी इनके. सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स, इथाइन है यहां पर हमारे पास, और आपको पता है जहां ट्रिपल बॉन्ड हो एक सिग्मा होता है और बाकी के दो पाई बॉन्ड होंगे. जब रिएक्शन होगा तो स्टूडेंट्स यहां से बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होने हैं और शिफ्ट हो जाने हैं टूवर्ड्स नाइट्रोजन. उसकी वजह ये है कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो डेफिनेटली उसके पास एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की. सो इन दिस वे यहां पर आप देखें तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन जो है यहां से रिप्लेस हो जाता है और कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है. ठीक है, बाकी यहां से फिर जो फाइनली हमारे पास कंपाउंड बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एलुमिना अंडर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. तो इथाइन को जब अमोनिया गैस से, इथाइन भी गैस है अमोनिया भी गैस है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे Al2O3 एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड या इसको कहेंगे एलुमिना, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेंगी दोनों गैसेस. तो यहां से हमारे पास जो कंपाउंड बनता है इसको आप क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके डिफरेंट नेम्स हैं, इसको मिथाइल साइनाइड कहा जा सकता है, या ये नाइट्राइल्स होते हैं तो इसलिए इसको इथेन नाइट्राइल भी कहा जा सकता है क्योंकि दो कार्बन हैं, या उसके अलावा इसका एक और नाम है मैं ऊपर लिख रहा हूं एसीटो नाइट्राइल. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कंपाउंड बन जाता है. इसके अलावा मजीद रिएक्शन बताता है कि इथाइन है हाइड्रोजन साइनाइड से भी अब उसको रिएक्ट करेंगे. सो अगेन जी यहां से बॉन्ड ब्रेक, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक, तो अब क्या होगा बॉन्ड ब्रेक होने से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ स्टूडेंट्स हाइड्रोजन चला जाएगा और एक तरफ साइनाइड ने अटैच होना है. किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, क्यूप्रस क्लोराइड और उसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, साथ यहां पर भी हीट गिव करेंगे. तो आप देखें यहां से जब बॉन्ड ब्रेक हुआ ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो गई, एक हाइड्रोजन थी अब यहां पर दो हाइड्रोजन हो गए, और उसके अलावा यहां पर ये CH ऐसे कैसे और साइनाइड भी साथ क्या हो गया अटैच हो गया. अब स्टूडेंट्स इसका नाम अगर देखें तो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह पहले यहां पर मैंने मिथाइल साइनाइड कहा था, तो इसको क्या कहा जा सकता है इथाइल साइनाइड, इसको इथाइल साइनाइड भी कह सकते हैं. उसी तरह तीन कार्बन है तो इसको हम प्रोपेन नाइट्राइल भी कह सकते हैं. उसके अलावा आपकी बुक में इसका नाम लिखा हुआ है अक्राइलो नाइट्राइल, तो इसको अक्राइलो नाइट्राइल भी कहा जा सकता है. और अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स ये विनाइल ग्रुप है तो इसलिए इसको विनाइल साइनाइड भी कहा जा सकता है. तो ये इन रिएक्शंस के मैंने रिएक्टेंट्स से जो प्रोडक्ट बन रही है उनके डिफरेंट नेम्स आपके सामने लिखे हैं. ये सारे नेम्स आने चाहिए ताकि MCQs में कोई इश्यू ना हो या क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप देखें मतलब ऑक्सीजन को ऐड करेंगे और उसके लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और जो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है वो ये आपके सामने लिखा है विच इज पोटाशियम पर मैंगनेट. ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन को गिव करता है. तो आप देखें स्टूडेंट्स अगेन इथाइन है वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन या एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं. अंडर दीज कंडीशन हमारे पास ये प्रोडक्ट बनती है, और इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा आप देखें, वन और टू अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो स्टूडेंट्स ये सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे चारों, तो इस वाले से इसका क्या नाम होगा वन वन टू टू टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन.
क्योंकि दो कार्बन को इथेन कहते हैं और OH जो फंक्शनल ग्रुप है इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो आप देखें चार हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो चार के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं टेट्रा, और चारों की पोजीशंस भी अगर मुझे बतानी हो तो दो हाइड्रोक्सिल वन पे हैं और दो ही हाइड्रोक्सिल टू पे हैं। तो रिपीट कर रहा हूं मैं, इसका नाम होगा 1-1-2-2 टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जब ये आ गया इसकी हमने करनी है डिहाइड्रेशन। आप जरा गौर करें तो इसमें दो वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज करने हैं, एक कार्बन पे से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो आप देखें स्टूडेंट्स अगर यू हो जाए कि यहां से एच और यहां से ये ओ एच और एच, आप देखें एक ये वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, उसके अलावा स्टूडेंट्स देखें अगेन ये ओ एच एंड एच ये भी एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। इस तरह से यहां से ये देखें ये वाटर तो रिमूव हो गया, अब उसके अलावा ये बॉन्ड भी नीचे शिफ्ट हो जाएगा ये भी, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक हुए एक एक, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये जो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ने बॉन्ड ब्रेक किया इसका शिफ्ट हुआ, और बाकी उसके अलावा ये जो ऊपर से ओ एच ये दोनों रिमूव हुए तो स्टूडेंट्स इनका भी एक एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट, जिसकी वजह से ये देखें ये दो वाटर के मॉलिक्यूल तो हमने इसमें से रिमूव कर दिए लेकिन ये बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो गया, उसकी वजह से ये हमारे पास कंपाउंड बन जाता है। और इस कंपाउंड का नेम क्या है स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है ग्लायोक्सिल। ठीक है, तो ये हमारे पास आसान तरीका है इनको याद रखने का, बाय नेम अगर आपको प्रोडक्ट्स याद होंगी ना तो उसके लिए फिर रिएक्शन को याद करना इज नॉट अ बिग डील, वो काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि इथाइन की पहले ऑक्सीडेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उससे पहले एक इंटरमीडिएट स्पीशी बनी, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती है विच इज 1-1-2-2 टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन। स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, इसकी डिहाइड्रेशन कर देनी है। ये देखें इसमें से वाटर के दो मॉलिक्यूल रिलीज किए तो यहां से बना ग्लायोक्सिल। अब फर्दर इस ग्लायोक्सिल की आप देखें क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं उसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में। तो सिर्फ ये देखें ये जहां जहां पर हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स ये दो ऑक्सीजन के एटम है, एक इधर अटैच करवा देंगे और एक इधर। तो ये देखें फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास ये बनती है जो कि ऑक्सालिक एसिड जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक का ये फैमिली मेंबर होगा। ठीक है, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें दो कार्बोक्सिलिक के ग्रुप हैं, देखें एक ये है और एक ये है, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, ऑक्सालिक एसिड है। सो इट्स मेन स्टूडेंट क्वेश्चन ये आ सकता है, हाउ कैन वी प्रिपेयर ऑक्सालिक एसिड फ्रॉम इथाइन, या हाउ कैन वी प्रिपेयर ग्लायोक्सिल फ्रॉम इथाइन। तो रिएक्शन एक ही है, कंडीशंस आपके सामने हैं, इनको फॉलो करते हुए ग्लायोक्सिल या ऑक्सालिक एसिड को प्रिपेयर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम दो रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं फिलहाल, एडिशन ऑफ अमोनिया या उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मजीद आगे देखा जाए तो कंबस्चन रिएक्शन को डिस्कस कर रहा है। कंबस्चन में क्या होगा, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टूडेंट, ऑक्सीजन डायरेक्टली लाइक इन दिस वे इस पे हम अटैक करवा देते हैं। तो इथाइन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे, अल्केन में भी आपने यही पढ़ा, अल्केन और ऑक्सीजन, अल्कीन में भी यही पढ़ा, अब अल्काइन में भी वही पढ़ेंगे कि यहां से भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेपर्स रिलीज होंगे एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स हीट। क्यों, क्योंकि कंबस्चन हमारे पास एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सो वर्ड जो है स्टूडेंट्स ये बेसिकली एग्जिट से डिराइव होता है, और थर्म हम किसको कहते हैं, हीट को। सो इट्स मीन व्हेन द हीट इज एग्जिटिंग फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम में से हीट एग्जिट हो रही हो, बाहर हो रही हो, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, कंबस्चन यही है। उसके बाद आ जाते हैं जी पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अल्काइन जो हैं जब ये कंपाउंड्स पॉलीमराइज होते हैं तो ये आगे दो तरह के कंपाउंड्स गिव कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये लीनियर कंपाउंड्स भी बनाते हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं। लेकिन कब इनके दरमियान पॉलीमराइजेशन से लीनियर कंपाउंड बनना है, कब
कोई साइक्लिक कंपाउंड बनना है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड एज वेल एज कैटलिस्ट। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर कितना दिया हुआ है, कैटलिस्ट कौन सा है, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन चीजों पे बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि अल्काइन ने पॉलीमराइज होना कैसे, उसने एक स्ट्रेट चेन, एक लीनियर कंपाउंड बनाना है या एक साइक्लिक कंपाउंड बनाना है, दोनों को डिस्कस करना है हमने। आज मैंने ये आपके सामने डिस्कस किया हुआ है कि लीनियर कंपाउंड कैसे बन रहा है, और ये भी आमतौर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। देखें स्टूडेंट्स, एसिटाइलीन विच इज द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा डाइवनाइल एसिटिलीन में। ठीक है, अब ये भी जरा गौर से देखिएगा, अगेन स्टूडेंट्स, एक ये मैंने इथाइन का मॉलिक्यूल लिया और एक ये इथाइन का मॉलिक्यूल लिया, दोनों मॉलिक्यूल की पॉलीमराइजेशन करेंगे अब। ठीक है, आप देखिए पॉलीमराइजेशन हो रही है क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में, तो यहां से हमारे पास कंपाउंड क्या बनता है, ये आपके सामने लिखा है विनाइल एसिटिलीन। देखें स्टूडेंट्स, ये जो इतना कंपाउंड है, इतना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इस ग्रुप को हम कहते हैं विनाइल, ये विनाइल है हमारे पास, और अगर दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको एसिटिलीन कहा जाता है, इसलिए इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, विनाइल एसिटिलीन। और हां, अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो देखें स्टूडेंट्स, चार कार्बन है, एक दो तीन चार, तो ये आएगा ब्यूटा। ठीक है, और उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, आपको पता है हम डबल बॉन्ड को हमेशा पहले लिखते हैं और नंबरिंग भी यहां पर इसी साइड से शुरू होगी, डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को सेम पोजिशन मिल रही है, तो अगर सेम पोजिशन मिल रही हो तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक्रोनिम डैश IUPAC, इन्होंने हमें रूल्स बताए हुए हैं कि इन रूल्स को फॉलो करते हुए मुझे नंबरिंग यहां से करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये ब्यूट आगे आएगा -1-EN, ये डबल बॉन्ड को शो कर रहा है, और उसके बाद थर्ड पोजीशन पर जाके हमारे पास YNE आता है, तो ये इसका IUPAC नेम होगा कि ब्यूटा का मतलब चार कार्बन, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और थर्ड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये IUPAC नेम है और ये नीचे मैंने कॉमन नेम लिखा है। खैर, अब यही विनाइल एसिटिलीन देखिए मैंने यहां पर लिख दिया, ये रेड से मैंने विनाइल ग्रुप बनाया है और ये ब्लैक से एसिटिलीन, तो विनाइल एसिटिलीन की अब मजीद पॉलीमराइजेशन हम कर रहे हैं अंडर सेम कंडीशंस। ये देखें एक और इथाइन का मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो रहा है, तो स्टूडेंट्स देखें एक और इथाइन का मॉलिक्यूल ऐड होता है तो हमारे पास क्या कंपाउंड बनता है, अब ये बन जाएगा डाइविनाइल एसिटिलीन। देखें मैं इसको डाइविनाइल एसिटिलीन क्यों कह रहा हूं स्टूडेंट्स, एक ये विनाइल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, तो आप देखें एक ये विनाइल ग्रुप है और उसके अलावा ये भी विनाइल है, देखें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, तो ये भी विनाइल और ये भी विनाइल, तो स्टूडेंट्स जब दो विनाइल ग्रुप हो जाएंगे तो उसको डाइविनाइल कहेंगे, और ये देखें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो फाइनली फिर मैं इसको कह सकता हूं कि ये है मेरे पास डाइविनाइल एसिटिलीन। ठीक है, ये स्टूडेंट्स इसका नाम होगा डाइविनाइल एसिटिलीन। और अब आगे बात कर लेते हैं अगर इसके IUPAC नेम की, तो इसका IUPAC नेम देखें वो भी मैं लिख रहा हूं, यहां ऊपर ही लिख देता हूं। सबसे पहले मैं कार्बन एटम्स काउंट कर लूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो स्टूडेंट्स 6 इसके अंदर कार्बन है, 6 को कहते हैं हेक्सा। मैं यहां पर नाम लिख रहा हूं, जरा देखिएगा हेक्सा -, पहली और पांचवी पोजीशन देखें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड है, आपको पता है पहले वही लिखना है, तो 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5,
एन लगा के मुझे बताना है ट्रिपल बॉन्ड पोजिशन, तो 3YNE ये इसका कंप्लीट नेम होगा, जरा गौर कीजिएगा।
हेक्सा 1,5 डाई इन 3 वायनी। वायनी शो कर रहा है ट्रिपल बॉन्ड को, जो के थर्ड कार्बन पे आप देखें, थर्ड और फोर्थ के दरमियान ना छोटे वाले के साथ नंबरिंग में लिखते हैं, स्मॉलर वो 3 है, तो 3 वायनी और उसके अलावा 1 और 5 के साथ डाई ई एन ई। ठीक है, तो ये इसका यूपीएससी नेम है, वैसे ये डाइविनाइल एसिटिलीन है। तो ये देखें आप पॉलीमराइजेशन हो रही है, यहां पे इथाइन मोनोमर है, उस मोनोमर के साथ आगे मोनोमर्स अटैच होते जा रहे हैं। यहां से स्टूडेंट एक और रिएक्शन भी हम कर सकते थे कि ये जो विनाइल एसिटिलीन बना था, जैसे ये है विनाइल एसिटिलीन, अगर इसी विनाइल एसिटिलीन को क्या कर दिया जाए, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट। अब विनाइल एसिटिलीन को अगर कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ना, तो वहां से हमारे पास बन जाता है क्लोरोप्रीन, और ये क्लोरोप्रीन एक ऐसा मोनोमर है कि अगर इसकी पॉलीमराइजेशन कर दी जाए तो ये बनाता है नियोप्रीन। अब ये नियोप्रीन जो है ये सिंथेटिक रबर है। ठीक है, जरा गौर करें, ये रिएक्शन लिखा हुआ है आपकी बुक में स्टूडेंट्स, ये अगेन विनाइल एसिटिलीन लिखा है, ये रहा विनाइल ग्रुप और ये विनाइल एसिटिलीन। देखें HCl इसमें ऐड करेंगे, जो ट्रिपल बॉन्ड है इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये क्लोरीन सेंटर कार्बन पे आ जाएगा और ये टर्मिनल पे। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स यहां पर CH है, ये CH2 हो गया, और क्लोरीन इस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट था, विल गोज टू दैट कार्बन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मार्कोनिक ऑफ द रूल। ठीक है, तो ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच, तो आप देखें यहां पर ये कंपाउंड बन गया, और स्टूडेंट्स इस कंपाउंड का नाम ये लिखा हुआ है जो कि है क्लोरोप्रीन। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, क्लोरोप्रीन प्रीन की पॉलीमराइजेशन होगी तो ये क्या गिव करता है, ये नियोप्रीन गिव करता है। तो आप देखें अंडर दीज कंडीशंस यहां पर पॉलीमराइजेशन से हमारे पास एक लीनियर कंपाउंड बना, इसी तरह हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड भी बन सकता है, वो भी आपकी बुक में गिवन है, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आज का लेक्चर आपके सामने है, इट वॉज लेक्चर नंबर 29। तो इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी अपना बहुत ख्याल रखें और लेक्चर से जितना हो सके फायदा उठाया करें। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।